हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना बूंदी बनाए मीठी बूंदी। ये देखिए कितना बढ़िया ये बूंदी बना हुआ है ना, बिना बूंदी बनाए मीठी बूंदी। बूंदी बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है। पहले बेसन घोलो, फिर उसे छालनी से छाल के तलो, बनाओ, बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये बस 5 मिनट में मीठी बूंदी बन के तैयार हो जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी सभी मज़ेदार रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। चलिए देखते हैं मीठी बूंदी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। देखिए, हमने लिया है 150 ग्राम बूंदी। ऐसे रेडीमेड बूंदी आ जाता है, जो हम रायते में बूंदी डालते हैं ना, वो वाली बूंदी है। ये बिना नमक वाली होती है, सिंपल बूंदी होती है। 50 ग्राम चीनी। चलिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। गैस पे कोई बर्तन रखते हैं, हम इसमें चाशनी तैयार करेंगे। चीनी डाल देते हैं, जितना हमने चीनी लिया था ना, उतना हम पानी ऐड करेंगे। हमें चिपचिपी चाशनी बनानी है, एक तार वाली नहीं चाशनी बनानी है हमें, बस चिपचिपी चाशनी बनानी है। इसमें कूटा हुआ 3 इलायची डाल देते हैं, इससे ना बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा मीठी बूंदी का। देखिए चाशनी अपना तैयार हो गया है, बहुत ही कम टाइम लगा है। मैं आपको बताती हूँ, बस हमें चिपचिपी चाशनी रखना है। उंगल पे लेके ऐसे चेक करेंगे, देखिए बस हमें चिपचिपी रखना है, तार बिल्कुल नहीं बनाना है। गैस हम बंद कर देते हैं। अब हम इसमें बूंदी डाल देंगे, अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं कि बूंदी में ना सारी चाशनी चली जाए। अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। ये देखिए 2 मिनट हो गया है, चाशनी है ना बूंदी में बहुत अच्छे से चला गया है। ये देखिए चाशनी बिल्कुल अपना वेस्ट नहीं हुआ, एकदम बराबर बना हुआ था। 150 ग्राम में 50 ग्राम चीनी डाल के अच्छे से, ये देखिए कितना बढ़िया ये बूंदी दिख रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया ये बूंदी बन गया ना सिर्फ 2 मिनट में। इसी तरह आप सिंपल बूंदी ला के घर पे ही मीठी बूंदी बना सकते। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।